वेलकम स्टूडेंट्स लेट्स डू सम शॉर्ट आंसर टाइप टेक्सअल क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर लास्ट लेसन। इट्स टू लॉन्ग क्वेश्चन वी हैव ऑलरेडी डन इन प्रीवियस वीडियोज आई होप दैट यू हैव डन दोज क्वेश्चन नाउ शॉर्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर वन वाई वॉज फ्रेंज अफ्रेड ऑफ गोइंग टू स्कूल अफ्रेड ऑफ का मतलब होता है स्केयर्ड ऑफ डरना फ्रेंच है वो स्कूल जाने से क्यों डर रहा था तो फ्रेंच है इज ए स्टूडेंट इन दिस चैप्टर फ्रेंच वॉज गोइंग फ्रेंच वॉज अफ्रेड ऑफ गोइंग टू स्कूल बिकॉज मास्टर हेमल हिज टीचर हैड सेट दैट ही वुड क्वेश्चन दैम ऑन पार्टिसिपल्स फ्रेंच को स्कूल जाने से इसलिए डर लग रहा था क्योंकि मास्टर हेमल जो कि उसका टीचर था उसने उन्हें कहा था कि वो उनको पार्टिसिपल्स के ऊपर क्वेश्चन पूछेगा ओके पार्टिसिपल्स है वो एक ग्रामर का टॉपिक होता है नॉन फाइनाइट्स में इंग्लिश में भी होता है और फ्रेंच फ्रेंच लैंग्वेज में भी होता है ये तो पार्टिसिपल्स जो है वो थ्री पार्टिसिपल्स होते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल पास पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और आईएनजी होता है और ये हमेशा ही एडजेक्टिव का, का काम करता है पास्ट पार्टिसिपल है वो थर्ड फॉर्म होती है और परफेक्ट पार्टिसिपल है वो हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म होती है तो पार्टिसिपल्स का टॉपिक नॉन फाइनाइट्स के अंदर डिस्कस किया जाएगा तो मास्टर हेमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन देम ऑन पार्टिसिपल्स मास्टर हेमल ने उन्हें बोला था कि वो उनको पार्टिसिपल्स के ऊपर कुछ क्वेश्चन पूछेगा बट फ्रेंच डिडेंट नो इवन ए सिंगल वर्ड अबाउट पार्टिसिपल्स लेकिन फ्रेंच को पार्टिसिपल्स का एक भी वर्ड नहीं पता था सो ही वॉज अफ्रेड ऑफ गोइंग टू स्कूल इसीलिए उसको स्कूल जाने से डर लग रहा था ही यहाँ पर फ्रेंच के लिए आ रहा है जो कि एक स्टूडेंट है क्वेश्चन नंबर टू इट वॉज मोर टैम्प्टिंग देन गोइंग टू स्कूल वाट डिड फ्रेंच फाइंड मोर टैंप्ट कहता है कौन सी चीज़ फ्रेंच को स्कूल जाने से भी ज़्यादा चुभ रही थी टैंपटिंग का मतलब होता है पिंचिंग पिंच Pinch करना चुभ जाना वट डिड फ्रेंच फाइंड मोर टैंपटिंग फ्रेंच को स्कूल जाने से तो हरकत हो रही थी लेकिन उसको कौन सी चीज़ ऐसी थी जिससे और ज़्यादा परेशानी हो रही थी फ्रेंच फाउंड दैट ड्रिलिंग ऑफ द पोर्सियन सोल्जर्स वॉज मोर टैंप्टिंग दैन गोइंग टू स्कूल फ्रेंच ने पाया कि जो पर्सियन सोल्जर्स हैं जो कि पास में ही अभ्यास कर रहे थे ड्रिलिंग का मतलब एक्सरसाइज़ करना अभ्यास करना वो अभ्यास कर रहे थे वहाँ पर उनके देश पर हमला करने के लिए वो उसको स्कूल जाने से भी ज़्यादा अटक रहा था ओके okay, तो पर्सियन सोल्जर्स हैं वो थ्री कंट्रीज़ की जो थ्री थ्री कंट्रीज़ थे उसके अंदर ठीक है जिसमें ऑस्ट्रिया था जर्मनी था और पोलैंड था उन्होंने पर्सियन सोल्जर्स हैं उनको बोला गया है इस चैप्टर के अंदर क्वेश्चन नंबर थ्री वर्ड थ्री अनयूजल थिंग्स दैट फ्रेंच नोटिस इन दिस स्कूल नोटिस का मतलब होता है सा यहाँ पर नोटिस है वो ऐसे वर्ब आया हुआ है नोटिस नाउन भी होता है जो कि नोटिस बोर्ड पर लगाते हैं हम तो फ्रेंच ने वो कौन सी तीन पर्टिकुलर चीज़ें अनयूजल चीज़ें देखी ठीक है अजीब चीज़ें देखी स्कूल के अंदर उस दिन फर्स्टली इट वॉज काम एंड क्वाइट इन दिस स्कूल एज इट वॉज संडे मॉर्निंग पहले तो फ्रेंज ने पाया कि ऐसे है जैसे कि स्कूल बिल्कुल शांत है और ऐसे लग रहा था वो काम एंड क्वाइट ओके विदाउट एनी नॉइस ओके देर वर नो नॉइसिस ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ बेंचिस किसी तरह की कोई आवाज़ नहीं आ रही थी बिल्कुल शांति थी जैसे कि संडे की सुबह जब स्कूल नहीं लग रहा होता तो होता है वैसा ही एटमोस्फियर था सेकेंडली मास्टर हेमल वॉज इन इज वेस्ट क्लॉथ ऑन दैट ऑन द लास्ट डे एट स्कूल सेकेंडली मास्टर हेमल अपने स्कूल के अंदर उस स्कूल के अंदर सबसे अच्छे कपड़े अच्छी वेशभूषा के अंदर आया हुआ था लास्टली दि फॉर्मर पोस्ट मास्टर एंड फॉर्मर मेर हैड कम टू स्कूल टू अटेंड मास्टर हेमल लास्ट लेसन एंड दे सेट इन फ्रंट ऑफ हिम एज इफ़ देवर हिज पीपल्स पीपल्स मीन्स स्टूडेंट और जो वहाँ का मेयर था पोस्ट मास्टर था पहले का पोस्ट मास्टर हुआ करता था उस इलाके का और जो मेयर हुआ करता था पहले इलाके का वो भी उस जो कि सीनियर सिटीजन थे वहाँ के उस एरिया के वो भी मास्टर हेमल के लास्ट लेसन को सुनने के लिए आए हुए थे और वो उसके सामने ऐसे बैठे हुए थे जैसे वो उसके विद्यार्थी हों उसके शिष्य हों पीपल्स का मतलब स्टूडेंट्स होता है क्वेश्चन नंबर फोर वट वॉज दी ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन बर्लिन से ऑर्डर है वो क्या आया था वट वॉज इट इफेक्ट्स ऑन द लाइफ ऑफ पीपल ऑफ एलसेस एंड लोराइन, ओके एलसेस एंड लोराइन है वो आपको बता दूं कि फ्रांस के दो तो डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि मैप में दिखाए गए हैं ओके जर्मनी है वो एक साइड के अंदर है और फ्रांस है ये आप फ्रांस का मैप देख रहे हैं और जर्मनी है एक साइड में ठीक है जर्मनी पड़ रहा है और फ्रांस के जो डिस्ट्रिक्ट हैं एल एंड लोराइन वो यहाँ पर दिखाए गए हैं बिल्कुल बॉर्डर पर और इधर जर्मन लोग हैं और इन्होंने क्या है कि इन दो डिस्ट्रिक्ट के ऊपर अपना कब्जा है वो कर लिया है तो वो ऑर्डर बर्लिन से बर्लिन है इट इज़ कैपिटल ऑफ जर्मनी तो बर्लिन से ऑर्डर है वो क्या आया था तो जो हमारे गवर्नमेंट के ऑर्डर आते हैं वो न्यू दिल्ली से आते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि ऑर्डर फ्रॉम न्यू डेली हैज़ कम ओके न्यू ऑर्डर फ्राम न्यू डेली हैज़ कम वट वॉज द ऑर्डर फ्राम बर्लिन बर्लिन से क्या ऑर्डर आया था वट वॉज इट्स इफेक्ट ऑन द लाइफ ऑफ पीपल ऑफ एलसेस एन लॉराइन इसका अलसेस और लॉराइन डिस्ट्रिक्ट के लोगों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा दी ऑर्डर फ्राम बर्लिन स्टॉप टीचिंग ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज इन टू डिस्ट्रिक्स ऑफ एलसेस इन टू डिस्ट्रिक्स ऑफ फ्रांस एलसेसन लॉरान जो बर्लिन से ऑर्डर आया था उसके तहत फ्रेंच भाषा का एल्सेस और लोराइन दो डिस्ट्रिक्ट के अंदर फ्रेंच भाषा का पढ़ाया जाना बंद हो चुका था दिस ऑर्डर शॉक्ड एवरी वन इन दी एरिया इंक्लूडिंग मास्टर हैमल। इस ऑर्डर के कारण इस आदेश के कारण सब लोग हैरान थे और मास्टर हैमल भी उसमें शामिल था वो भी हैरान था सो एवरी वन रियलाइज़ हिज मिस्टेक सब लोगों ने उस एरिया के क्षेत्र के लोगों ने अपनी मिस्टेक को रियलाइज़ किया उसको स्वीकार किया एंड दे गोट रेडी टू लर्न देयर मदर टंग दैट वॉज फ्रेंच और उन्होंने सभी ने अपनी मातृभाषा को वो पहले इंटरेस्टेड नहीं थे पढ़ने के अंदर उसको सीखने के लिए वो तैयार हो गए और उनकी मातृभाषा है वो फ्रेंच थी एंड जर्मन वॉज इम्पोज ऑन देयर ऑन द लाइफ ऑफ द पीपल लिविंग इन दैट एरिया और उनके ऊपर जर्मन भाषा है वो थोप दी गई थी जर्मनी के द्वारा बर्लिन से ऑर्डर आया था सो दीज आर Four questions and four textual questions of this chapter. I hope that you you will able to prepare these questions. Okay, you write these questions in your your notebooks. And next five question, five more short answer type questions of this chapter. We shall cover in the next video. Till then, all the best. Thank you so much for listening to me, and have a nice day.